हेलो फ्रेंड्स, आज गुड मॉर्निंग की जगह बोलना पड़ रहा है गुड आफ्टरनून और नमस्ते आप सबको। आज कमेंट का वीडियो सुबह में नहीं टाइम मिला तो नहीं बना पाई। अभी युवान को स्कूल छोड़ के घर आ रही हूँ और अब जाके आपके कमेंट के वीडियो को बना रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। और एक बात, मैं कंचन अरोरा जी से, अपने फैमिली यूट्यूब फैमिली में से मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक नुस्खा बताया था कि शहद में अदरक के जूस को थोड़ा सा मिला के युवान को पिलाने से खांसी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी, और सच में यही हुआ, छूमंतर हो गया। मुझे दिन में 3 बार भी पिलाना नहीं पड़ा, पूरे दिन में मैं सिर्फ 2 बार उसको पिलाई और 2 बार में उसकी पूरी खांसी छूमंतर हो गई। मतलब दवाई जो असर नहीं कर रहा है वो ये घर का ये नुस्खा मेरा असर कर गया। तो थैंक यू सो मच कंचन जी, आपने युवान के लिए नुस्खा बताया, वो एकदम फिट एंड फाइन हो गया और आज स्कूल भी गया है। तो चलिए अपने मैसेज के सिलसिले को मैं चालू करती हूँ, अपने 3 वीडियो के कमेंट्स के लिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले वीडियो से शशि शुक्ला जी ने लिखा है, अच्छा भाई एक बात बताइए, ये वीडियो में इतना दिखाया जा रहा है कि पंडित सही जड़ी बूटी लेकर आया, समर के ऊपर कुछ करवा रही है, वो क्या राधिका की मम्मी ये सब देखते नहीं हैं? पता नहीं देखते हैं कि नहीं, मुझे लगता है देखते हैं, पर सब तो नाटक चल रहा है इसलिए देख के भी अनदेखा हो रहा है। फिर ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच ताशी जी। गीता जी ने लिखा है, आप सही बोल रही हैं सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपने हार्ट भी दिया है। मीरा शर्मा जी ने लिखा है, आप तो बिल्कुल राइट बोलते हो, समर की माँ डायन है, राधिका का घर फिर से तोड़ने की कोशिश करने आई है, एकदम फिर से तोड़ने की कोशिश करने आई है। शशि जी ने फिर से लिखा है, युवान बाय बाय, थैंक यू सो मच शशि जी। अरुणा जी ने लिखा है, समर की माँ विलेज में, आदमी के पास मन नहीं लगता, कैसे लगेगा, शहर का हवा जो लग गया है। उसके बाद सुजाता जी ने लिखा है, गुनगुन की जब नई शादी हुई, समर की मम्मी गुनगुन को पसंद नहीं करती थी, फिर बेटे को घर तुड़वा कर राधिका के साथ शादी करवाई। हाँ, यही तो इनको आता है, अब पता नहीं फिर से गुनगुन पसंद आई तो राधिका का घर तोड़ना चाहती है। RC मीसो जी ने लिखा है, सही बोला बहन, समर की माँ तो समर को जादू करने आई है, बदतमीज औरत है, समर की माँ तो पूरा गेम खेल रही है, एकदम पूरा गेम खेल रही है। जयश्री बहन ने लिखा, दीदी आपने समर गुनगुन के सभी वीडियो देखते हैं, राधिका और समर की मम्मी पंडित के गुनगुन के पापा के वीडियो देखते नहीं क्या? लोगों ने क्या हुआ कमेंट्स पढ़ते नहीं क्या? इन लोग डायरेक्ट सबूत क्यों नहीं दिखाते समर और उसकी मम्मी को? सब नौटंकी चल रहा है जयश्री बहन, अगर ऐसे ऐसे सब देख लेंगे, सबूत देख लेंगे तो फिर और ब्लॉग बनेगा ही नहीं। उसके बाद समीरा जी ने लिखा है, समर की माँ चुड़ैल बन गई, ध्रुव की माँ के साथ मिलकर पंडित से कुछ लेकर समर को खिला दिया, राधिका से समर को अलग करने की कोशिश कर रही है, एकदम सही कहा आपने। फिर आशीर्वन जी ने लिखा है, मैम गुनगुन वैश्य है और समर की माँ भी एक वैश्य है। फिर इब्राहिम भाईजान ने लिखा है, समर तुम्हारी अम्मी जादू करके आई है, गुनगुन के पापा ने भी ध्रुव के लिए जादू कराया है, समर तुम हरी वो जादू तोने करने आई है कि समर मेरे वश में हो जाए, एकदम भाईजान एकदम सही कहा है। इन लोग को पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर झट से देख लूँ, अगर रह गया हो तो मैं बोल लूँगी। सुकुमार जी का मैसेज है, समर मदर इज़ अ विच, शी डज नॉट लाइक पीस एंड हारमोनी, एग्जैक्टली शी डजेंट लाइक एनी पीस एंड हारमोनी। अब मैं देख लेती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो की ओर चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिले हैं, इसमें मैं सबसे पहले पढ़ूंगी रत्नांठी का मैसेज, लिखा है, हमारी एक इच्छा है समर के ब्लॉग के इतने सारे किरदार शायद महाभारत के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, तुम्हें इन लोगों का ये ब्लॉग के बाहर जीवन कैसा है, इनका अपना जीवन कैसे चलता है, ये ब्लॉग देख के इनका फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन लोगों को क्या बोलते हैं, शाबाशी देते हैं क्या, भगवान जाने, शाबाशी शायद ही देते होंगे, क्योंकि जैसे एक बड़े टेलीविज़न में हम देखते हैं सीरियल, वैसे ही एक यूट्यूब में दिखा रहे हैं हम लोगों को, तो इसके लिए तो इनको शाबाशी मिलना ही चाहिए, क्योंकि एक्टिंग सब जबरदस्त करते हैं, स्पेशली अंकित की एक्टिंग इतनी अच्छी है, अब मानो ना मानो आंटी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इतना अच्छा एक्टिंग तो मेरे को अभी तक समर से भी नहीं मिली। ताशी जी लिखा है, समर माँ नागिन
कोबरा है समर एंड राधिका को दस के छोड़ेगी एकदम। गन्नू जी ने लिखा है यू आर वेरी राइट, थैंक यू सो मच। कंचन जी ने लिखा है यू आर राइट विथ लॉट्स ऑफ हार्ट, आई लव यू, बाय बाय बाबू, थैंक यू सो मच कंचन जी। रत्ना जी भी लिखा है इतने दिन तक रोज का तमाशा था बिना नेम प्लेट का पुलिस, वो नाटक खत्म हुआ तो पंडित का नाटक चालू हो गया, कब तक चलेगा, ओनली समर कैंप से, ओनली समर कैंप से। फिर आपने लिखा है जो व्लॉग ये लोग हमें दिखाते हैं वो ही वीडियो खुद नहीं देखते क्या, सब देखते हैं नाटक करते हैं। अब देखो राधिका की मम्मी भी लग जाएगी पंडित के पीछे पूरियां लेने के लिए क्योंकि उसको भी अब समर को अपने वश में करेगी। फिर सुब्रतो जी ने मुझे बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज किया है और लिखा है समर की मम्मी भी ज़्यादा जड़ी बूटी लाई है पंडित से मांग के, इसलिए ज़्यादा चिंता करने लग गई है समर की राधिका को भी, कैसे बातें जो उसको पंडित को बुलाकर लाओ, जड़ी बूटी दिया है समर को उसकी माँ ने। एकदम समर की माँ ने उसे अच्छा ही जड़ी बूटी खिलाया है तभी धीरे धीरे उसके बस में आ रहा है। अब मैं देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया और नहीं, सभी का मैंने पढ़ लिया। अब मैं अपने लास्ट वीडियो जिसमें पंडित जी पकड़े गए हैं वो वाले मैसेज में मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ूँगी शशि जी का मैसेज, लिखा है लेकिन बहन जी उसने पहले कुमकुम के घर गुनगुन के घर से लाई है वो तो पिला ही दिया, वहीं पर उसके बाद यहाँ मंत्र मंत्र सब या ऑनलाइन दे देगा, वाह और क्या करना है, उसके पास में ही हो जाएगा एकदम। नंदिनी पवर जी ने मुझे हार्ट भेजा, थैंक यू सो मच। फिर सीला ड्योर जन ने यू आर राइट लिखा है, थैंक यू सो मच। अनिका जी ने मुझे लिखा है दीदी समर की माँ डायन है, एकदम सही कहा, ऐसी माँ तो डायन ही है। फिर गीता जी ने लिखा सिस्टर समर की माँ गलत है, एकदम गलत है। सुजाता जी ने लिखा है कैमरे के सामने समर की मम्मी पुड़िया पूजा पाठ ऐसा बोल रही है समर नहीं देखेगा क्या, वो शायद ही देखता होगा। शशि जी ने लिखा है अपने बच्चों को बर्बाद करेगी ये, एकदम। कंचन जी ने लिखा है वेरी गुड, सही बोला है विथ लॉट्स ऑफ हार्ट, आपका बेटा को सूखे कच्चे कच्चा है तो आप उसको नाइट में सोने से पहले ये सिरप पिला देना, सूखे कच्ची से हो जाएगा। 3 स्पून देसी घी का स्पून लेकर उसमें 1 स्पून बेसन डाल के उसको धीमे आग में भून लो, जब वो भून ले तो उसमें 1/2 कप वाटर और 1/2 कप मिल्क और शुगर डालकर दो दिन उबला आ जाए तो निर्मे गर्म पानी दो, पतला पतला 4 डेज पिलाओ वो सही हो जाएगा, वाटर नहीं पिलाने हैं, स्लीप ऑन द बेड। थैंक यू सो मच कंचन जी, आपका वही नुस्खा काम कर दिया। फिर नंदिनी जी लिखा है राधिका की मम्मी वेरी स्ट्रांग है, शक था वही हुआ, समर की मम्मी बेशरम बुढ़ी बुढ़िया जादू टोना टोटका करवा रही है, गुनगुन गुड़िया को गले में लाल डाल के निकाल बाहर राधिका, एकदम इन लोगों को तो घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। अब मैं देख लूँ जल्दी से किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो मैं झट से बोल दूँगी, नहीं सभी का मैंने पढ़ लिया है मैसेज, किसी का नहीं है। अब अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत लेट हो गया, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे और मुझे से प्यार सपोर्ट दोगे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।